मॉर्निंग गाइस, हियर इज साइड एंड यू आर वाचिंग साइड ब्लॉग। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है कि अभी हम लोग फिलहाल में जाएंगे बतासी लोग बोल के कुछ ऐसा जगह है, तो बहुत ही अच्छा मतलब व्यू पॉइंट है। और उसके बाद में और भी दार्जिलिंग को एक्सप्लोर करेंगे, लोकल से भी पूछेंगे कोई अच्छा व्यू पॉइंट है। दाजू बसंत लूप कति टाढो छ? 5 मिनट सीधे सीधे तो लोकल बता रहा था टैक्सी वाला कि बसंत लूप बस 5 मिनट की दूरी नहीं है यहाँ पर। लगभग लगभग जितना भी जो टूरिस्ट पॉइंट है वो आपका 5 से 10 मिनट के दूरी में है, आसपास में ही है, क्योंकि दार्जिलिंग ज़्यादा बड़ा है नहीं। कल में तो रात हो गया था आते आते, नहीं तो आप लोग को जो व्यू दिखाता ना मैं हुसैन का, क्या व्यू था यार। और रोड यार जैसा डेटी रोड मैं आज तक मैं बाइक नहीं चलाया, मैं एकदम स्टीप एकदम सीधा इससे ऐसे था रोड, क्या डर लग रहा था हमको। तो बहुत अच्छे से एक गियर दो गियर में करते रहा है। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं बसंत लूप जो कि 5 किलोमीटर दूरी में है, जैसे कि लोकल वो टैक्सी वाले ने बताया था। बस हम लोग का साथ मत छोड़िए, आपको पूरा दार्जिलिंग का सैर कराएंगे। ठंड बहुत है, ठंड बहुत है। एक टिकट हम लोग को 20 रुपीज़ करके पड़ा था। Cover them up so you don't see beyond the mask. और भाई कैसा लग रहा है आके यहाँ? एकदम मस्त भाई, मस्त है एकदम भाई। व्यू तो सेट्टी से आ रहा है भाई, पूरा दार्जिलिंग दिख रहा है यहाँ से। सोल्जर का स्टेच्यू जो ब्राउन से बना हुआ है। अरे जगह का नाम है बतासा लूप। बतासा मतलब क्या होता है कि विंडी प्लेस। यहाँ पर दार्जिलिंग में बहुत ही सारा टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट है। और यहाँ का जो आपका 70% जो लोकल लोग निर्भर है यहाँ पे, वो टूरिस्ट से ही निर्भर है। आई लव दार्जिलिंग। ट्राई करेगा बायनोकुलर? बायनोकुलर से क्या है कि आपको यहाँ का जितना भी व्यू है एकदम क्लोज तरीके से दिखाई देता है। और ये सब जो है विंटर का कपड़ा है भाई। ये वीडियो लेने का चक्कर में मेरा उंगली में कांटा ढुक गया, इतना दर्द कर रहा है ना क्या बोलूँ भाई को। इस गाछ ने चुबा दिया। ये देख लो, ये बहुत रिक्सी वाला गाछ है। चलो आगे और भी कुछ अगर देखने को मिलता है तो वो भी मैं शूट करूँगा, नहीं तो आपको डायरेक्ट बाइक में मिलूँगा। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हम लोग जाएंगे रॉक गार्डन भाई। यहाँ पे जहाँ रुको वहीं पे व्यू पॉइंट है। ना रोड स्टीप है भाई, देखना साला यहाँ तो हम अपना गाड़ी कभी नहीं लेके आए। ये देखिए ये गाड़ी कहाँ पे रखा हुआ है, रखने का जगह ही मस्त है। पर यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक का कोई गुंजाइश नहीं है। दार्जिलिंग में आ रहे हो, अगर अपना प्राइवेट गाड़ी भी लेके आ रहे हो तो अपना प्राइवेट खुद का गाड़ी लेके ना ही घूमे तो अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा सेफ्टी के बिना। लोकल जो यहाँ के जो टैक्सी उसी में घूमे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या व्यू है रे भाई, यहाँ तो बाइक रुकना बनता है। ओ भाई
मारो मुझे, मारो मुझे, जगाओ, जगाओ मुझे, जगाओ भाई। जन्नत आप लोगों को देखना है ना, तो यही है जन्नत। और यहाँ का ड्राइवर को सैल्यूट है भाई, बाप रे, इतने स्टीफ जगह में इतने मतलब आराम से चला लेते हैं, मानना पड़ेगा। और मैं जो कल में जो मैं रास्ते से आया हूँ, ये खोरसंग का जो शॉर्टकट रास्ता है, इसमें तो सोचिए मारुति जो वैन है वो भी आ रही है, आपका क्या बोलता है लोडेड, इतना स्टीफ है, इससे भी ज़्यादा ज़्यादा स्टीफ रोड में वैन लेके आ रहे हैं, मतलब मानना पड़ेगा यहाँ का ड्राइवर। This is Rock Garden and let's rock in Rock Garden. चल भाई आइए आप लोगों को रॉक गार्डन दिखाता हूँ। Cover them up so you don't see behind the mask. Miles a dying star. तो थोड़ा बहुत घूमने के बाद अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। यहाँ वो घूमने कोई रॉक गार्डन ठीक ही ठाक लगा, होता कोई खास नहीं है, ओके ओके है, मतलब नॉर्मल सा है। जैसे मैं चंडीगढ़ में भी गया था रॉक गार्डन में, तो कुछ इसी टाइप का थोड़ा बहुत था, उसमें थोड़ा रॉक का कुछ बना हुआ था, पर इधर में ऐसा कुछ नहीं है, व्यू कुछ इस टाइप का है। टाइम है तो आप यहाँ पे आइए, नहीं तो उतना आना ज़रूरी नहीं, क्योंकि उतना खास कोई देखने लायक कुछ है नहीं इधर में। और बाकी और भी पॉइंट है, देखते हैं वहाँ पे जाते हैं वहाँ पे कैसा है व्यू। यहाँ का मुझे ओके ओके लगा, उतना खास लगा नहीं मुझे, मैं वहाँ तक गया आधा आधा रास्ते से फिर रिटर्न आ गया, क्यों ऊपर जाना कोई लगता नहीं मुझे वर्थ इट होगा, इसलिए मैं रिटर्न आ गया। ये रोपो है जिसमें मैं अभी चढ़ूँगा, टिकट का 200 रुपये पर हेड पड़ा हम लोग को, एक टिकट इसका है एक टिकट मेरा है, 6% पर कैबिन करके इन लोग अंदर ले रहे हैं, एक कैबिन में 6% से ज्यादा हुआ है। भाई हम पबजी में खेलते खेलते आज रियल में बैठे हैं भाई, आज ये पबजी में नहीं रियल में रोपवे में चढ़ेगा। फर्स्ट टाइम है ना तेरा? फर्स्ट टाइम है। अभी हम लोग आए हैं यहाँ दार्जिलिंग का मार्केट घूमने के लिए। क्या भाई कुछ लिया कि नहीं लिया तू? भाई मैं तो सॉक्स ले लिया भाई, बहुत ठंड है। मुझे भी ग्लव्स लेना है, हाँ तो बहुत ठंडा लग रहा बाइक चलाते वक्त। यहाँ का रोड भी एकदम स्टीफ है, यहाँ पर आदमी लोग को वर्कआउट करना नहीं पड़ेगा। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उससे भी ज़्यादा अगर पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा मेरे वीडियो को, मैं आपका आभारी रहूँगा। और वो जो रेड बटन जो दिखाई दे रहा है उसको छोड़िएगा मत प्लीज़, उसको ग्रे बना दीजिएगा, और उसके बगल में जो घंटा है उसको भी बजा दीजिएगा, ताकि मेरे ऊपर कृपा बना हुआ रहे। तो थैंक यू, ऑलवेज वेयर हेलमेट एंड राइड सेफ।